यूपी में नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर के विरोध अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। संभल में किसी भी तरह की हिंसा ना हो इसके लिए पुलिस ने पूरे जनपद को छावनी में तब्दील कर दिया। बांदा में धारा 144 के साथ साथ चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी और ड्रोन से सुरक्षा का जायजा इस वक्त लिया जा रहा है। 3 तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां पर लोग इस अंदाज में हाथों में पोस्टर्स, यहां तक कि कुछ लोग शर्टलेस होकर के, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नेता और कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर संभल की है, जहां पर आपने देखा किस तरीके से कल वहां पर हंगामा हुआ। भीड़ इतनी हिंसात्मक तरीके को अपनाना शुरू कर दिया कि वहां पर कई सारे सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया गया, आगजनी की गई, पत्थरबाजी भी, तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर का इलाका, जहाँ पर ये अंदाज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती हुई, मगर प्रदर्शनकारियों के समझ में या तो बात आ नहीं रही, या तो फिर वो पुलिस की बात को मानने को तैयार नहीं, या फिर उन्होंने ठान लिया है कि इस बिल को, इस कानून को, जब तक सरकार इस पर कोई स्पष्टीकरण देकर इसे वापस नहीं लेती या इसमें अमेंडमेंट नहीं करती है, तब तक इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये एक स्थिति है, और सरकार इन तमाम चीज़ों के बीच में सफाई तो दे रही है, बता तो रही है, इस कानून को लेकर के लोगों को जागरूक करने की कोशिश तो कर रही है, कि भ्रम की स्थिति क्या है, फैक्ट्स क्या है, सच क्या है, दोनों के बीच में सरकार इन तमाम स्थितियों को साफ करने की कोशिश कर रही है, मगर असर कहीं से भी नहीं पड़ रहा है। चाहे बहराइच हो, हापुड़ हो, मुजफ्फरनगर हो, हर जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें, लेकिन ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली है। मुजफ्फरनगर में जहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में पथराव की स्थिति, पुलिस पर प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे हैं और फिर जवाब में पुलिस भी प्रदर्शनकारियों पर पत्थर उठा करके फेंकती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच का इलाका, जहां पर भीड़ इस वक्त काबू में नहीं, पुलिस प्रशासन भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, मगर भीड़ है कि समझने को तैयार नहीं। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये है कि होना क्या चाहिए, क्या इस स्थिति को ऐसे बने रहने देना चाहिए या इस समस्या का कोई समाधान, कोई हल है? फिलहाल सरकार की तरफ से किसी किस्म का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है, सिवाय इसके कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ में जो कि हिंसा फैला रहे हैं, उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ाई से उनसे निपटा जाएगा, ये बातें कही जा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से भी हैं, जहाँ पर CAA के विरोध को लेकर के ज़िले में हाई अलर्ट पर पुलिस है। सहारनपुर में CAA के विरोध को लेकर के 5वें दिन भी इंटरनेट सेवाएं आज बंद रहीं। ज़िले के आला अधिकारी देर रात से लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर में अमन और चैन को बनाए रखने के लिए लगातार मीटिंग करते रहे। इसके बावजूद घंटा घर पर हज़ारों की संख्या में मौजूद लोगों ने CAA के विरोध में प्रदर्शन किया। कासगंज की अगर बात करें तो इन 3 तस्वीरों के साथ साथ लखनऊ, संभल, शाहजहाँपुर, बहराइच, कासगंज, अम्बेडकर नगर, हर जगह का दृश्य एक ही है। कासगंज में नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए जिलाधिकारी और SP शहर ने कुछ इस तरीके से वहां पर विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया। गाजियाबाद, देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद का इलाका, जहां पर CAA के विरोध को लेकर के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाको चबंद की तैयारी की है। कप्तान साहब और हमारे भाई यहाँ कह रहे हैं जो बात उसको मानते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर की तरफ निकल जाए।